Redmi Note 5 Pro के लिए चेरिस ओएस का न्यू अपडेट आ गया है 4.8 का। जैसे कि अभी 4.7, 4.7.5 और 4.8 काफ़ी जल्दी जल्दी अपडेट्स देखने को मिले। अभी ये 2-3 दिन बाद ही वापस देखने को मिल गया 4.8 का भी। हालांकि ज़्यादा चेंजेस तो नहीं है, लेकिन जितने भी हैं उन सभी के बारे में हम बात करेंगे वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को फिर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चेरिस ओएस का जैसे कि 4.8 का ऑफिशियल एंड्रॉयड 13 बिल्ड है। सिक्योरिटी पैच अप अपडेट है, 5 मई 2023 का मिलता है। कर्नल एलेक्जर रिवोन का मिलता है, पिछले में पिक्सल एक्सपीरियंस वाला देखने को मिलता था 4.4 बेस्ड ही। एंड सेलिनिक्स स्टेटस इन्फोर्सिंग मिल जाता है, जैसे कि पहले भी यही मिलता था। अब यहाँ पे QS पैनल के अंदर इसके जो है लाइट लैग अभी भी मिलते हैं, काफ़ी कम रहता है वो लैग, है भी बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनेट पे आपको हॉटस्पॉट मिलता ही है पहले जैसा। हालांकि ऊपर जो हेडर इमेज है पिछले अपडेट पर ऐड हो गया था, आपको बताया भी था, लेकिन यहाँ पर टाइल्स कोई भी न्यू नहीं ऐड हुई है। टाइल्स जो हमें पहले मिला करती थी वही टाइल्स आपको देखने को मिलेगी, कोई न्यू टाइल्स ऐड नहीं हुआ है। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में थोड़ा सा ज़्यादा लैग करता है, नॉर्मल आपका लाइट लैग जैसे रहता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तो इस तरीके से जो आपको थोड़ा फर्क देखने को मिलेगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से। बाकी वॉल्यूम पैनल हो गया या फिर आपका ऐप ओपनिंग एनिमेशन, इन सब में ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आपके स्मूथ रहते हैं। और एक बार इस बार तो और आपका ऐप ओपनिंग थोड़ा और बेटर हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम बूस्ट का भी 2x ऐड किया गया इसके अंदर में। तो ऐप ओपनिंग यानी टच रिस्पॉन्स भी, ये सब चीज़ें आपकी जो है थोड़ी सी इंप्रूवमेंट के साथ देखने की इस बार आपको मिलने वाला है। बाकी रिसेंट आपका स्मूथ है और ऐप ओपनिंग भी इस बार जो है काफ़ी अच्छा हो चुका है। और कैमरा यहाँ पे अपर्चर का ही रहेगा, कैमरा हालांकि चेंज नहीं हुआ है, कैमरा जो पहले मिलता था वही है। जीकेम आप मैनुअली इंस्टॉल कर लेना, 8.1 वाला। वीडियो रिकॉर्डिंग या पिक्चर क्लिक आराम से आप कर पाओगे, कोई इशू नहीं है। FM काम करता है और गूगल फोटो के अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज अभी भी हमें देखने को मिल जाता है, जैसे कि पहले से मिलता था अभी भी आपको ये मिल जाएगा इसके अंदर। प्ले स्टोर सर्टिफाइड ही रहेगा, यानी कि जो सेफ्टी नेट है इसके अंदर पास मिलता है। तो बैंकिंग ऐप भी आप आराम से यूज़ कर पाओगे विदाउट डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपका वॉल पेपर स्टाइल पूरा सेम रहेगा, अभी भी जो है ये शॉर्टकट्स वाला लॉक स्क्रीन का क्रैश कर जाता है जब भी हम चेंज करते, बट सेट हो जाता है। और यहाँ ऐसा कोई चेंज नहीं, वॉलपेपर जो यूज़ करो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। कॉलिंग के अंदर यहाँ पे भी आपका जो है कैरियर वीडियो कॉल का बग रहेगा, वाईफाई कॉलिंग का भी बग रहेगा ही। बाकी अगर हम बात करें प्रॉक्सिमिटी सेंसर को लेके तो ये काम कर रहा है। कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन अभी भी मिसिंग है, देखने को नहीं मिलता। और इसका जो आपका ब्लूटूथ डिवाइस है, मीडिया कॉलिंग दोनों के अंदर अच्छे से काम कर, उसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेटवर्क एंड इंटरनेट में कोई चेंज नहीं हुआ है, कनेक्टेड डिवाइसेस में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, कास्ट काम करता है। और चेरिस सेटिंग्स के अंदर स्टेटस बार में एक चेंज हुआ है यहाँ पे, कि अब जो है बैकग्राउंड क्लॉक का अब इस तरीके का दे दिया गया, पहले सिर्फ ऑन ऑफ करने का दिया गया था, लेकिन अभी इसके अंदर आपको अलग और भी बैकग्राउंड के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि ग्रेडियंट वाला दे दिया गया है, सॉलिड कलर एसेंट का ग्रेडियंट कलर वाला इस तरीके से देखने को मिलता है। दूसरा आउटलाइन वाला अब आपको देखने को इसके अंदर में मिल जाएगा, और नॉर्मल तो आपको मिलता था यहाँ पे ऑन ऑफ करने पे, एसेंट कलर वाला नॉर्मल ऑन ऑफ कर पाते थे, बट यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, आउटलाइन का और सॉलिड कलर ग्रेडियंट वाला यहाँ पे। तो ये अभी यहाँ पे ऐड हुआ है। और फिर इसके अंदर स्टेटस बार में कोई चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल सेम रहेगा। एंड क्विक सेटिंग्स में पिछले अपडेट पर वैसे हेडर इमेज ऐड हुआ था, इस अपडेट में कोई भी चेंजेस नहीं है। और इसके जितनी भी सेटिंग्स मिलती नीचे में सब सेम रहेगा। हाँ, मिसलेनियस के अंदर पिछले अपडेट में जैसे कि बताया था इसका जो पैरेलल स्पेस ऐड हुआ था, बट इसमें स्क्रीन ब्लिंकिंग वाली इशू देखने को मिल रही जब भी हम होम स्क्रीन पर जाते हैं। अगर आप इसका वनीला बिल्ड वाला यो रोम का यूज़ करो, अगर आपका काम करें तो कमेंट करके बता देना। फिलहाल यहाँ पर GPS इंक्लूडेड वाला मैं यूज़ करूँ, इसके अंदर जो है अभी भी प्रॉब्लम मिल रही है, ये चीज़ फिक्स नहीं हुआ है अभी भी 4.8 के अंदर में भी। यहाँ पर देखोगे तो जैसे होम स्क्रीन पे जाऊंगा थोड़ी देर में ये जो है स्क्रीन ब्लिंक करना शुरू कर देता है। तो ये इशू अभी फिलहाल यहाँ पे पैरेलल स्पेस की वजह से देखने को मिल रहा है GPS इंक्लूडेड में। वनीला मैं टेस्ट नहीं किया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा, अगर कोई यूज़ कर वनीला वाला इसका बिल्ड तो इसे जो है आप कमेंट करके जो है बता दीजिएगा कि आपका भी प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। फिलहाल यहाँ पे जो है हमें देखने को पैरेलल स्पेस का प्रॉब्लम अभी भी मिलता है, ये जो है फिक्स नहीं हुआ है। तो यहाँ पे चेंजेस फिलहाल और ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं है। डिस्प्ले आपका ये भी हालांकि सेम ही है, डिस्प्ले के अंदर भी इस अपडेट में कोई चेंज मुझे देखने को नहीं मिला, डिस्प्ले पूरा पूरा सेम है। रोटेशन मोड्स आपको नहीं मिलते अभी भी इसके अंदर में। और यहाँ पे वॉलपेपर स्टाइल ऑलरेडी दिखा चुका। ऐप्स की बात करें तो यहाँ पर ज़रूर आपका यहाँ पर टास्क मोड दिया गया, जो कि आपका डिसमिस कर सकते हो ऐप्स को, रिसेंट के लिए दिया गया मेन, ये इनेबल करोगे यहाँ पर सम ऐप बिल स्टे रहेगा आपका। फोर्स पे यहाँ पर जो है ओवरराइड टू ऐप बिहेवियर का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। हालांकि जब भी आप इन पे चेंजेस करो एक बार डिवाइस रिस्टार्ट कर लें ताकि ये अप्लाई हो जाए, लेकिन ये ऑप्शन आपको यहाँ पर न्यू देखने को मिल जाता है। फिलहाल इस अपडेट के अंदर ही ये जो है ऐड हुआ, पिछले पे नहीं था।
और असिस्टेंट वर्किंग है ओके गूगल, एंड गेम स्पेस सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। लॉन्चर जैसे कि जेप्स इंक्लूडेड में पिक्सल लॉन्चर मिलता है तो सेम ही है। और फिर यहाँ पे बैटरी की सेटिंग में कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर बैटरी बैकअप की बात करते हैं तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 87% मिला है, पिछले में 89 था, उससे पिछले भी 87 था, यानी कि आसपास सही घूम रहा है, ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा बैटरी में। और साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर में भी ऐसा कुछ खास चेंज हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला है। और यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर भी आपका ऐप लॉक जो है पिछले अपडेट में फिक्स हो गया था, जो कि ऐप इन्फो में नहीं जा पाते थे, ऐप के अंदर यानी कि इसके अंदर नहीं जा पाते थे, बैक हो जाता था, लेकिन अभी जो है बिल्कुल जा रहा है, पिछले अपडेट में फिक्स हो गया था। सेटिंग सेम है और ऐप लॉक यहाँ पे आपका वैसे रोम जो है डिक्रिप्टेड ही आता है, बट यहाँ पे अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो फिंगरप्रिंट और हमारा जो फेस अनलॉक है दोनों अच्छे से काम करता है। एनिमेशन ऑफ ही रखना, काफ़ी अच्छे से काम करेगा और फेस अनलॉक भी वर्किंग है अच्छे तरीके से। बाकी फिर सिस्टम के अंदर यहाँ पे जेस्चर के अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ, जेस्चर ए टू जेड पूरा सेम टू सेम है। अपडेट जैसे कि ओटी अपडेट जीएप्स इंक्लूडेड वाले को मिलेगा, पिछले अपडेट में हो गया तो आपको ओटी अपडेट मिल जाएगा, वनीला वालों को नहीं मिलेगा, सिर्फ जीएप्स इंक्लूडेड वालों को ओटी अपडेट देखने को मिलेगा। और कोई चेंज नहीं है, डिवाइस सेटिंग्स पूरा सेम रहेगा, इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ, माई साउंड सेंसर ये सब काम कर रहा है इसका, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसके अंदर हमारा जो एक प्रॉब्लम और पिछले अपडेट में आपको देखने को मिलता था कि जितनी बार डिवाइस रिस्टार्ट करते थे एक पॉपअप सा स्क्रीन पे आता था, दो अपडेट से था वो प्रॉब्लम, उसको भी हटा दिया गया है, उसको भी फिलहाल इस अपडेट में रिमूव कर दिया गया, तो वो भी अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितनी बार डिवाइस रिस्टार्ट करते पहले मिलता था, अब नहीं मिलेगा। एंटूड स्कोर 160,671 है, पिछले में 163,000 था। सीपीयू थ्रोलेट 88% हमें इस बार मिला है सीपीयू थ्रोलेट, और जीप स्कोर जैसे कि इसका सही नहीं रहता, पहले भी सही नहीं था, वहीं पिछला सीपीयू थ्रोलेट की बात करें तो 89, यानी कि ये भी जो है आपका सिमिलर पहले जैसे ही है। गिगबेंच स्कोर इस बार हमें सिंगल स्कोर में 299 मिला है और मल्टी के अंदर 1132 मिला है, पिछले में सिंगल स्कोर 299 था और मल्टी के अंदर 1137 था, यानी कि ये भी जो है पहले जैसा ही देखने को मिल जाता है। और गेम स्पेस के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, गेम स्पेस आपका पहले वाला ही रहेगा, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, और ग्राफिक भी जो पहले मिलती थी उसी तरीके से रहेगी, ग्राफिक में भी कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि बैलेंस में मीडियम तक ही मिलता है, एचडी का अनलॉक नहीं मिलता, स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे खेल पाओगे। और परफॉर्मेंस का जैसे कि पहले भी आपको बताया था कि परफॉर्मेंस के अंदर कोई फर्क यहाँ पे फिलहाल पिछले कुछ अपडेट्स नहीं पड़ रहा है, अभी भी अगर आप देखोगे तो आपको वही परफॉर्मेंस मिलेगी, ठीक ठाक से परफॉर्मेंस मिल जाती है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और ज़्यादा खराब भी आपको नहीं मिलने वाली, बैलेंस टाइप की जो परफॉर्मेंस है वही देखने को मिलती है, इसके अंदर कोई और फर्क आपको देखने को फिलहाल नहीं पड़ने वाला है। तो यही था फिलहाल आज की इस वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।